बच्चों आज हम उर्दू की शायरी पढ़ेंगे और इसमें मिर्ज़ा गालिब को हम लेके आ रहे हैं। तो शायर फरमाता है, सबसे पहला सफा नंबर देख लो 130 पे। अरे सर 130 से तो पहले किताब ही खत्म है, तुम्हारा को 130 कहाँ से मिल गया? बेटा 130 पे आओ इज्जत के साथ, वरना मैं कनपट्टी पे खड़काऊंगा। तुम शपाटर हो तो हम शपाटर रहे पे तुमसे। अरे हाँ सर, वो 130 नहीं 130 है। हाँ 130। अब शायर फरमाते हैं, बेटा काशिफ तुमसे मैं पूछूंगा और पूरी क्लास से भी, इसका मतलब क्या है? सर मुझसे क्यों पूछोगे? फरमाते तेरे को जितना बोलूं ना बेटा काशिफ उतना ही करा, वरना डाल दूंगा अभी मैं तेरे को 6x18 में। अभी सुन, शायर फरमाते हैं कि जो शामिल था मेरी दुआओं में, बिन मांगे किसी को मिल गया। बाद में कर रहा बेटा, इसका मुझे तर्जुमा बताओ कि कहना क्या चाह रहा है शायर? सर जो बात है मैं भी बात निकाल लूंगा तेरी। वो जो सर यही ना, वो जो वाला। यस यस यही। वो जो शामिल था मेरी हर तन्हाई में, वो किसी और को मिल गया मेरी दुआओं में। गधे मेरी दुआओं में। अच्छा नहीं सर, वो किसी और को मिल गया ना, इस चीज का दुख लगा हुआ है। सर इसका मतलब ये कहना चाह रहा है आईफोन। सर ये देखो ये क्या लिखा है। ये तो बेशर्मी का मकाम है तुम्हारे लिए, आईफोन की जो बात कर रहे हो। सर ये देखो क्या लिखा है। वो जो शम्मादार इशारे का गुलाब की पंखड़ी बन के उड़ गई। सर ये क्या है? वो जो शम्मादार इशारे का गुलाब की पंखड़ी उड़ गई। सर ये उर्दू की किताब नहीं, सीधी सीधी ठरक है ठरक ठरक तेरी में आ गया।